Assalamualaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine. Class 7. I am your mathematics teacher Smaira Naz. और आज हम अपने lecture 12 का आगाज करेंगे जो कि week 4 का lecture number 3 है. इसके लिए जो हमारा required material है वो हम class 7 की mathematics की syntax book की exercise 2.3 से लेंगे जो कि page number 42 पर मौजूद है. टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो हमारा है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स. इन प्रॉपर्टीज को रैशनल नंबर्स के हवाले से हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है. लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हमारे हैं वो ये हैं कि स्टूडेंट्स यानी कि आप इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स को सॉल्व करना सीख सकेंगे. आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ. एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन वन का चौथा पार्ट आज हम सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन हमारे पास है 7/15 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 3/4 मल्टीप्लाई 5/7 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ब्रैकेट 7/15 मल्टीप्लाई 3/4 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 5/7. सॉल्यूशन की तरफ आते हैं. अगेन सवाल आपने एक बार दोबारा उतारना है. इक्वल का सैम्बल दोनों के दरमियान मौजूद है. सो एक आपके पास राइट लेफ्ट हैंड साइड है और दूसरी आपके पास राइट हैंड साइड है. दोनों साइड्स को सॉल्व आप साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग भी. मैंने यहाँ दोनों साइड्स को एक साथ ही सॉल्व किया है. मल्टीप्लीकेशन हो रही है सो यहाँ डिनोमिनेटर्स और न्यूमिनेटर्स के सेम होने या डिफरेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता. आपने सिंपल न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है. सो 7/15 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई बाय 5/4 मल्टीप्लाई बाय 7. पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है. क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोडमास रूल पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाती है उसके बाद बाकी के फंक्शंस ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं. सो हमने पहले ब्रैकेट्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया. राइट हैंड साइड पर मेरे पास है ब्रैकेट 7 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन ब्रैकेट 15 मल्टीप्लाई बाय 4 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 5/7. मल्टीप्लीकेशन पर जो मेरा आंसर आया है वो 7/15 मल्टीप्लाई 3 को 5 से करने पर 15 आया था और 4 को 7 से करने पर 28. यहाँ 7 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 21 आया है और अपॉन में 60 मल्टीप्लाई बाय 5/7. अब नेक्स्ट स्टेप पर मेरे पास है यानी अगेन देखें 15 को 15 से कैंसिल यानी 15 से क्या हो रहा है कैंसिल और यहाँ भी 7 और 28 आपस में क्या हो रहे हैं कैंसिल यानी 7 1 7 एंड 7 4 28. सो हम इन्हें आपस में कैंसिल कर देंगे. तो इस तरह मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पर जो आंसर रिमेनिंग आ रहा है वो है 1/4 यानी मेरे पास जब 7 और 28 में कैंसिलेशन हुई 15 और 15 में तो 7 1 7 एंड 4 1 4 यानी 1/4 बचा. राइट हैंड साइड पर देखें 7 1 7 एंड 7 3 21 7 और 21 कैंसिल होंगे और 5 1 5 एंड 5 12 60 यानी 12 टाइम में 5 का टेबल बनूँ तो 60 आता है. सो यहाँ पे कैंसिलेशन करने पर मेरे पास 3 1 3 एंड 12 1 12 बचा. अगेन 3 और 12 दोबारा 3 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं 3 1 3 एंड 3 4 12. तो मेरे पास आंसर में जो रिमेनिंग अमाउंट चाहिए वो है 1/4 इक्वल टू 1/4. हेंस दोनों साइड जो हैं वो इक्वल हैं. सो ये बात यहाँ प्रूव्ड हुई कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल हैं. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे पास राइट हैंड साइड के. सो अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन को रैशनल नंबर्स पर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास दोनों साइड्स ही इक्वल आती हैं. दोनों साइड्स का आंसर इक्वल आएगा यानी ये बात हमने प्रूफ करनी थी जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं. यहाँ हमारा क्वेश्चन हुआ ख़त्म. होमवर्क जो आपका है वो यही है कि आपने जो आज क्वेश्चन समझा है यानी क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 वो आपने अपनी कॉपियों में लिखना है. एक्सरसाइज 2.3 से ये क्वेश्चन है. आज के लेक्चर के हवाले से अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई या कोई बात आपको कंफ्यूज कर रही है तो आप डिस्कशन बॉक्स में इसके बारे में पूछ सकते हैं. थैंक यू.